नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर लॉन्च के इस प्लेटफॉर्म में पुनः। और रक्षाबंधन अच्छा बीता होगा आपका। तो आज जो शिक्षक दिवस है कि आपको हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। जीवन में जो भी कुछ कोई सिखा जाए वो आपका क्या है, एक तरह से शिक्षक कहलाता है। चलिए, तो बाकी जो न्यायपालिका वाला सेक्शन था अपना, उसके सारे क्वेश्चन कवर हो चुके थे और स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपका 12वां चैप्टर जो है, इसमें 12वां सेक्शन जो है संघ राज्य संबंध, ठीक है, इसमें हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है अपना, देखिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं सीधे। अब सिंपल देखिए, इसमें हम लोग करेंगे क्या कि इसमें ज्यादातर हमें पढ़ना है कि किस तीन सूचियां होती हैं। देखिए पहले समझ लीजिए, अपनी जो अनुसूची हमने पढ़ी थी, देखिए अनुसूची हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अनुसूची, एक सूची पढ़ी थी सातवीं अनुसूची, कौन सी सातवीं अनुसूची पढ़ी थी हमने, सातवीं सूची के अंदर तीन विषय हैं। एक क्या है, संघ है, एक राज्य है और एक समवर्ती है, समवर्ती, ठीक है। तो इसमें अलग अलग विषय दे रखे हैं। विषय इन द सेंस क्या होता है, मतलब जैसे मान लीजिए कि पुलिस का मामला कौन देखेगा, राज्य बनाएगी कानून की, केंद्र बनाएगा, भूमि से संबंधित कानून कौन बनाएगा, केंद्र की राज्य की, दोनों बनाएंगे, ठीक है। संघ वाले मतलब ये होता है कि उससे संबंधित विषय पर कानून संघ यानी केंद्र बनाएंगे। राज्य सूची का मतलब क्या हो जाता है, उससे संबंधित विषय पर कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी। समवर्ती पर दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर मतभेद होता है, इस पर सवाल आया हुआ है, इस स्टेटमेंट पर सवाल आया हुआ है, दोनों कानून बना सकते हैं लेकिन अगर मतभेद होता है या उसमें कुछ मतलब फाइजनेस आती है तो किसकी मानी जाएगी बात, संघ केंद्र सरकार की बात मानी जाएगी, ठीक है, उसका कानून मान्य होगा, ठीक। अब इसमें विषयों की संख्या है कुछ, जैसे मान लीजिए संघ सूची में 100 विषय है, ठीक है, राज्य वाले में 61 है, संवर्ती वाले में 52 है। कई बार इससे भी पूछ लेता है क्वेश्चन, तो ये नंबर याद रखने हैं आपको, ठीक है। पहले कुछ और थे लेकिन वर्तमान स्थिति में संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और संवर्ती सूची में 62 विषय हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ ये हो गया। तो हम लोग जो आज सवाल देखेंगे वो ऐसे सवाल देखेंगे कि कौन सा विषय किस सूची में आता है, है ना। अब इसमें क्या करना है आपको, सिंपल क्वेश्चन देखना है, उसके आंसर। अब जो चीजें आ गई आंसर में कि हाँ भाई पुलिस राज्य सूची में आता है, ठीक, उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। अब राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची ऐसे बना लीजिए लाइन से, फिर उसके बाद जो जो वापस जा रहे हैं क्वेश्चन में उन्हीं को नोट करते जाइए और वही घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है अपना, 463 नंबर, क्या बोल रहा है, कौन सा संगठन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। पहली बात तो ये आ गई, राजनीतिक दल कौन मान्यता देता है, भारत निर्वाचन आयोग, कौन देता है, भारत निर्वाचन आयोग। चलिए अभी आप क्वेश्चन बताएंगे, भारत में कितने राष्ट्रीय पार्टियां हैं, अभी परिवर्तन हुआ है ना, तीन लोगों का जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है उसको वापस लिया गया है, ठीक है, और एक पार्टी को जो है राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया है। तो आप टोटल बताएंगे, टोटल नेशनल पार्टी कितनी है भारत में अभी वर्तमान, ठीक है। चलिए, तो भारत निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद का आता है, अनुच्छेद 324, ठीक, और 124 किसका है, 124 किसका है, सुप्रीम कोर्ट का, किसका है, सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रहेगा। चलिए वेरी गुड, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, राज्य निर्वाचन आयोग किसके लिए होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अच्छा अच्छा लोकसभा, राज्यसभा, अच्छा नहीं लोकसभा राज्यसभा तो केंद्र में होता है, तो फिर विधानसभा करवाता होगा, अच्छा नहीं विधानसभा का नहीं करवाता, ठीक है, ये सब का कौन करवाता है, भारत का जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है आर्टिकल 324 का वो करवाता है, ठीक। जो आर्टिकल 247 के तहत जो राज्य निर्वाचन आयोग गठित होता है उसका काम है कि पंचायती राज और नगर पालिकाओं का चुनाव का आयोजन करवा, ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए निम्नलिखित में से किस आयोग को केंद्र राज्य संबंध पर अध्ययन और अनुशंसाएं करने के लिए नियुक्त किया गया। देखिए इसमें एक है आपका सरकारी आयोग, यहां समझ लीजिए, है ना, केंद्र वाले और राज्य वाले में यही तो पूछे जाते हैं, क्या एक सरकारी, ये जो सरकारी लिखा है ना आपका सरकारी आयोग, इसी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें क्या बोला गया है, ठीक है, जो मैं बोलने जा रहा हूँ दूसरा वाला वो भी केंद्र राज्य संबंध के बारे में ही, लेकिन कुछ डिफरेंस है, ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। सरकारी आयोग एक और है राजमन्नार, ये भी आगे आएगा अभी, वैसे राजमन्नार आयोग, राजमन्नार समिति बोली, राजमन्नार आयोग बोली, ठीक है, राजमन्नार और एक सरकारी आयोग। सरकारी वाला क्या है, केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति संतुलन के लिए बात कर रहा है, इसके लिए रिकमेंड कर रहा है, अनुशंसाएं कर रहा है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति संतुलन के लिए, लेकिन राजमन्नार आयोग को किस मामले में देखना था, राज्य और केंद्र के संबंध में, उसको विवाद निपटारण के लिए, जैसे मान लीजिए अपना जो आर्टिकल 262 बोलता है ना, 262 डिस्प्यूट
को निपटान के लिए जो है संस्थाओं का बनना वनना जो है उसमें, ठीक है, उसके मामले में जो बातें हैं उससे संबंधित प्रावधान समिति जो बनी थी वो कौन बनी थी? राजमन्ना। और सरकारी समिति किससे बनी थी, किससे संबंधित? केंद्र राज्य के लिए बनी थी, लेकिन दोनों के मध्य शक्ति संतुलन को कैसे व्यवस्थित किया जाए, शक्तियों के बीच कैसे संतुलन लाया जाए, इस बारे में जो है रिकमेंडेशन करने के लिए उसको गठित किया गया था। ध्यान रहेगा? चलिए, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? सरकारी आयोग। ध्यान रहेगा ना? चलिए अगला देखिए, 465 नंबर। ठीक है, भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के संदर्भ में, देखिए यहाँ सातवीं अनुसूची लिखा है ना, ये ठीक के संदर्भ में संक्रामक और संसर्गज, मतलब जो ज्यादा देर फैलने वाले हैं, रोगों का विषय किसका भाग है? ठीक, किसका भाग हो जाएगा? आपका नंबर तीन सूची का। दोनों केंद्र और राज्य दोनों जो है इसमें कानून बना सकते हैं और प्रावधान जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, राज्य सूची में कितने विषय है? 61। संघ सूची में 100। समवर्ती सूची में कितने? 52। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं? संघ के पास। ध्यान रहेगा? चलिए, लेकिन यूएसए में क्या होता है? यूएसए में अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास होती हैं, स्टेट के पास। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, 466 नंबर। निम्नलिखित में से किस विषय में संसद और राज्य विधायिकाएं दोनों को कानून बनाने का अधिकार है? पहली बार संसद किस अनुच्छेद का आता है? 79। ठीक है, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। ध्यान रखना, इतना याद है कि नहीं? हाँ हाँ, जो पहले क्लास कर चुके हैं उनके बारे में बात है ना। चलिए, कौन सा जाएगा? विद्युत। विद्युत जो है आपका राज्य और केंद्र दोनों के मामले में आता है। ठीक है, चलिए, नशीले पेय राज्य सूची के विषय में, इसके राज्य का जो है रेवेन्यू मेजरली मतलब प्रमुख रूप से वो प्रभावित करता है राज्य के राजस्व कर को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 467 नंबर। अप्रैल 2007 में भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्र राज्य संबंधों पर द्वितीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एम कुंची। कौन थे? 2007 में कौन बने थे? एम कुंची। ध्यान रहेगा ना, द्वितीय आयोग। ठीक है, एम कुंची, चलिए याद रखिएगा इस चीज को। दीदी मंडल याद है ना, ओबीसी आरक्षण, दीदी मंडल बिहार के थे ये। चलिए, 27% आरक्षण जो दिया गया था इन्हें संबंधित था, आरक्षण संबंधित। और कौन सा केस है? इंदिरा सानी केस, जिन्होंने 50% की लिमिटेशन लगाई थी आरक्षण की व्यवस्था पर। ठीक है, चलिए, उसी बेसिस पर जो आपका ईडब्ल्यूएस लाया गया है, मतलब प्रावधान जो किया गया है ना, उसको भी चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको रियायत दे दी है कि वो सही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राजमन्ना वाला याद ही है आपको, सरकारिया भी याद है। चलिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच एक वैधानिक संबंधों से संबंधित है? देखिए, ये बात कर रहे हैं भाग 11 की। भाग 11 में दो चैप्टर है, चैप्टर 1 चैप्टर 2। कितने चैप्टर हैं? दो चैप्टर हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 में दे रखा है विधायी शक्तियां, विधायी संबंध दोनों के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में। और यहाँ 2 वाले में क्या दे रखा है? प्रशासनिक। क्या दे रखा है? प्रशासनिक संबंध। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर क्या है, जैसे विधायी संबंध वाले में आर्टिकल कौन सा है? 245 से लेकर के 255 तक, और प्रशासनिक संबंध में 256 से लेकर के 263 तक। ध्यान रहेगा? चलिए, नोट डाउन कर लीजिएगा अपना। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? वैधानिक संबंध, वैधानिक संबंध लिखा है ना, वैधानिक संबंध क्या हो जाएगा? डी, अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक। ठीक है, चलिए, अच्छा, आप यहाँ बताएंगे आर्टिकल, अब यहाँ एक नई चीज बताएंगे, नई चीज क्या मतलब कौन सा करेंगे, 300A, आर्टिकल जो 300A है, 300A ये किससे संबंधित है? चलिए बताइएगा, 300A बताइए और आर्टिकल 21 से बताइए। ये मौलिक अधिकार वाले चैप्टर हमने कर रखा है पहले से। 669 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है? ठीक है, अब एक चीज ध्यान लीजिए यहाँ पर, जैसे हम लोग हर सेशन में 25 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन कवर कर रहे हैं? 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग चैप्टर वाइज 25 क्वेश्चन, इसलिए ताकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहे और आपको देखने में बोरियत ना छूटा। ठीक है, क्या हो जाएगा क्वेश्चन? क्या था राज्य सूची की, राज्य सूची में कौन सा विषय शामिल है?
अभी देखा ना हमने पुलिस का एग्जाम्पल लिया था हमने, पुलिस जो है वो राज्य सूची के विषय में शामिल है। हालांकि दिल्ली वाले का अगर केस आप लोग फॉलो कर रहे होंगे दिल्ली सरकार के बारे में, दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है अपना, तो आपको पता होगा कि जो दिल्ली दिल्ली है वहां पर पुलिस जो है स्टेट के पास नहीं है, क्योंकि वो स्टेट है ही नहीं है, वो क्या है एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधायिका है, ठीक है, विधानसभा है। इसीलिए बाकी राज्यों के पास जो राज्य सूची के विषय है उनके उसमें पुलिस का लिस्ट दे रखा है, इसलिए वो उस पर संबंधित कानून बनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, बाकी क्या है अंतर्राज्य संगरोध, बीमा, जनगणना, ये सब क्या है केंद्र सूची के विषय, ये समझने वाली बात है आपको, है ना, एनालाइज कुछ करना है। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है, ठीक है, बशर्ते और प्रस्ताव कम से कम, देखिए उपस्थित और मत देने वाले सदस्य में दो तिहाई। अच्छा एक आर्टिकल है 249 यानी 249 अनुच्छेद 249 ये बोलता है कि राज्यसभा को अगर ये एहसास हो जाए या संज्ञान में आ जाए कि राज्य सूची के विषय पर कानून बना राष्ट्रीय महत्व के लिए आवश्यक है, ठीक है, और राज्यसभा इस चीज को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से दो तिहाई लोगों के मतदान से पारित कर दे तो संसद जो है उस विषय पर कानून बना सकती है, राज्य सूची के उस विषय पर कानून बना सकती है, ध्यान रहेगा ये चीज। चलिए आर्टिकल 249 याद रखिएगा, कभी भी हम लोग जब पूछा जाता है कि राज्यसभा की जो शक्तियां हैं किस किस मामलों में थोड़ी ज्यादा है में, इसमें यह भी शामिल होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 471 नंबर, निम्न में से कौन सा केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों के बारे में सही है। प्रशासनिक संबंध किस अनुच्छेद के तहत आते हैं 256 से लेकर के 263 भाग 11, क्या है केंद्र राज्य सरकारों को हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है राज्य सरकारों को, ठीक है। संसद को किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी में पानी के उपयोग वितरण नियंत्रण के बारे में किसी भी विवाद और शिकायत पर न्याय निर्णय करने की शक्ति के साथ निहित किया गया, दोनों स्टेटमेंट सही है आपके, ठीक है। ये जो है आपका 262 और 263, 263 के अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात क्या है और 262 में विवादों निपटान के लिए जो संस्थाएं बनाने की बात है वो की गई, ठीक है। चलिए तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे, क्या हो जाएगा ए और बी दोनों सही हो जाएगा यहाँ पर 471 नंबर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 472 नंबर, केंद्र और राज्य के कानून बनाने के अधिकारों के बारे में निम्न में से कौन सा या कौन से सही है। देखिए पहला क्या बोला, संघ और राज्य सरकारें दोनों संवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकती हैं, बिल्कुल सही बात, अभी देखा हमने संवर्ती सूची का मतलब वही है, कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में इसको। यदि संवर्ती सूची के विषय पर संघ का कानून और राज्य के कानून के बीच कोई मतभेद होता है तो संघ का कानून मान्य होगा, अभी देखा ना हमने अगर संघ के कानून और राज्य के कानून में कोई मतभेद होता है तो उस विषय पर जो कानून बनाया गया है अगर वो संवर्ती सूची के में आता है तो संघ कानून माना जाएगा, ठीक है। चलिए ये प्रिविलेज एक तरह से संघ का। अगला देखिए 473 नंबर, केंद्र राज्य संबंधों में सुधार की सिफारिशों के लिए 1970 में तमिलनाडु सरकार द्वारा 3 सदस्यीय समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया 1970 में, कौन है पीवी राजमन्नार, कौन है पीवी राजमन्नार, 1970 याद रखिएगा, ठीक है। अभी देखा था ना आपको कि इसमें विवादों से निपटान के लिए जो विवाद होते हैं केंद्र और राज्य के बीच में, चाहे राज्यपाल को लेकर के हो, चाहे एनएसए को लेकर के हो, है ना, चाहे आसपा लेकर के हो, इन सब चाहे सीबीआई को लेकर के हो, ठीक है, इन सब से कैसे कम किया जाए इन चीजों को, एक तरह से सहकारी संघवाद को कैसे स्थापित किया जाए, उस चीज के लिए क्या किया गया पीवी राजमन्नार आयोग को गठित किया गया था, ठीक है। चलिए 474 देखिए, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची का हिस्सा है, किसका संघ सूची का, रक्षा जो है आपका डिफेंस वो किसमें आता है संघ सूची में आता है, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये किसमें है राज्य सूची में, ठीक है। ये जनगणना देखिए जनगणना केंद्र में ही है, जनगणना जो है वो केंद्र में है, ठीक है, इसीलिए ध्यान रखिएगा चीजों को, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए अगला देखिए 475 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है, तो कौन सा जाता है डाकघर और बचत बैंक, कौन सा डाकघर और बचत बैंक, ठीक है। बाकी ये जो दोनों है दिवालियापन और शोध और अक्षमता ये क्या है संवर्ती सूची में आते हैं, संवर्ती सूची में कितने विषय हैं 52, संघ में कितने हैं 100, राज्य में कितने हैं 61, ध्यान रहेगा इतना। चलिए अगला देखिए 476 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है, अभी देखा हमने दिवाली और शोध क्षमता किसमें है आपका संवर्ती सूची में है, ठीक है, संवर्ती सूची में। तो ये शेयर बाजार और वायदा बाजार शेयर मार्केट जो है आपका ये किसमें आता है ये संघ सूची में आता है। अच्छा शेयर मार्केट को रेगुलेट कौन करती है, संस्था कौन सी सेबी, ठीक है। चलिए अगला देखिए 477 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? चलिए ये देखिए, ये जो है आपका बाजार और मेले, क्या आंसर हो जाएगा? बी, बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, बाजार और मेले जो है आपका राज्य सूची में शामिल है। ठीक, चलिए अगला देखिए, 470 नंबर। ठीक है, चलिए समवर्ती सूची का हिस्सा कौन सा है? ठीक है, रेलवे तो सेंट्रल का आ गया, शेयर बाजार भी सेंट्रल का आ गया। ठीक है, दिवालिया और ये, हाँ ये देखिए, अभी देखा ना दिवालियापन वाला विषय हमने, तो वो भी समवर्ती सूची का था, अभी क्या हो जाएगा आपका समवर्ती सूची आंसर। ठीक है, 470 नंबर। अगला देखिए, इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? देखिए, ये जो आपका भूमि, हमें देखा था, देखिए भूमि और पुलिस ये कई बार चर्चा में रहता है, क्योंकि दिल्ली में ये चीज है कि राज्य का स्टेटस मांगने की बात कर चल रहा है ना उसमें, कि राज्य का स्टेटस दे दिया जाए कि ना दे दिया जाए दिल्ली को, ठीक है, जनसंख्या इतनी ज्यादा है। हालांकि हर कंडीशन पूरी नहीं होती है, कुछ कंडीशन पूरी है, मतलब मेजरली कंडीशन जो है पूरी है राज्य के तौर पर दर्जा देने के लिए दिल्ली को, ठीक है, लेकिन सारी कंडीशनें पूरी नहीं है, नहीं दिया गया अभी तक। भूमि और पुलिस जो है आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है, पुलिस हमने देख लिया था, भूमि यहाँ से मिल गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? संवर्ती सूची में कौन सा आता है? पशु और आपका पक्षियों की सुरक्षा, पशु, वन्य पशु और पक्षियों की सुरक्षा। अभी देखिए, इसके पहले एक और ऑप्शन आया था आपका वन्य पशु और पशु संरक्षण, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका संवर्ती सूची। ठीक है, चलिए, भूमि भवन का कर क्या हो जाएगा? राज्य का, डाक वाला संघ का। ठीक है, चलिए, रोड टैक्स बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? कौन सा जाएगा? पथकर, आ गया ना रोड टैक्स। रोड टैक्स जो है आपका ये किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत। ठीक है, ये समवर्ती बीमा केंद्र LIC। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? कौन सा आता है? अच्छा, रेल किसके अंतर्गत आता है? रेल, रेल जो है आपका ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? संघ सूची। ठीक है, ये जो है आपका न्यास और न्यासी, न्यास और न्यासी, ये क्या हो जाएगा आपका? ये समवर्ती सूची हो जाएगी। ये मत्स्य उद्योग क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, चलिए, समवर्ती सूची हो जाएगा आपका न्यास और न्यासी, ध्यान रहेगा। चलिए, बैंकिंग सिस्टम सेंट्रल, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? पथकर, भी देखा था आपने पथकर। ठीक है, बाकी बीमा है ना, ये रोजगार बेरोजगारी। चलिए अगला देखिए, कौन सा इसमें से सही तरह से मेल खाता है? ठीक है, ये जो परमाणु ऊर्जा खनिज संसाधन है, ये संघ सूची है, ये बिल्कुल सही है, रेलवे संवर्ती सूची नहीं, क्योंकि अभी आपने देखा था रेलवे जो है वो किसमें आता है? संघ सूची में आता है। ठीक है, डाकघर बचत बैंक, ये भी राज्य सूची गलत है, क्यों? किसमें भी? ये भी संघ सूची में आता है। किसमें? संघ सूची में। दोबारा सुन लीजिए, संघ सूची कितना है? सही बात, बिल्कुल, कितना? 100। अरे रुकिएगा, 100। ठीक है, और आपका ये राज्य सूची 61, समवर्ती 52। ठीक है, चलिए, इसमें क्या हो जाएगा? ओनली क्यू, केवल बी, केवल क्यू, यानी बी, बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का एक हिस्सा है? तो कौन सा विषय राज्य सूची का एक हिस्सा है? कृषि आय पर कर, कौन सा हो जाएगा? कृषि आय पर कर, कृषि आय कर पहले भी आया था। ठीक है, और आर्थिक और सामाजिक सामाजिक योजना कौन सी? समवर्ती में। ठीक है, बाकी ये कृषि आय पर, ये क्या हो जाएगा आपका? राज्य सूची में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संघ वाले। चलिए, इनमें से कौन सा विषय संघ सूची का हिस्सा है? इनमें से कौन सा विषय संघ सूची का हिस्सा है? रेल सेवा आया था, रेलवे, अभी संघ सूची देखा था हमने। ठीक है, रेलवे किसमें आ जाएगा? संघ सूची में। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का हिस्सा है? औद्योगिक संघ कर्मचारियों से संबंधित विवाद। ठीक है, चलिए, बाकी ट्रेड यूनियन, कानून, चिकित्सा व्यवस्था, ये सब अलग आते हैं। ठीक है, तो आपका डी विल बी योर राइट आंसर, औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद। चलिए, अभी बताते हैं, एक चीज बताते हैं आपको, लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों एवं कार्यों के आवंटन से संबंधित सूची दी गई है? किसमें दी गई है? सातवीं अनुसूची में। ठीक है, बारहवीं में क्या है?
नगर पालिका, नौवीं में क्या है भूमि सुधार संबंधित, ठीक है, दसवीं में क्या है दल बदल, इसमें क्या है दल बदल संबंधित बातें, किस संविधान संविधान संशोधन के साथ जोड़ा गया 52 में, ठीक है, नौवां पहले संविधान संशोधन, ठीक है, बारहवां 74 में, ग्यारहवां 73 में, ध्यान रखा इतना चीज। चलिए तो एक चीज समझ लीजिए, पहले जो क्वेश्चन हुए हैं अभी उनमें से जितने क्वेश्चन करेंगे दोबारा देख लीजिए इस वीडियो को, जो जो क्वेश्चन में आए हुए हैं, ठीक है, जो हमने डिस्कस किए हैं बस उसकी लिस्टिंग बना लीजिए आप, जब लिस्टिंग बना लेंगे उसे तैयार कर लेंगे, बाकी ऑप्शन से एलिमिनेशन से हो जाएगा, बाकी जो आएगा आएगा उस पर हो जाएगा, ठीक है, जो नहीं आएगा वो सबके लिए नहीं आएगा, उसको टेंशन नहीं लेना है, उसको छोड़ देना है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि अभी देख रहे हैं आपने जूनियर स्टूडेंट का पेपर देखा ना आपने UPSSC का, GS कहीं भी जा रहा है पूछ रहा है, तो अपना जितना सीमित है जितना अवेलेबल है उतना करके जाना है, क्योंकि उतना ही सब करके जाएंगे, सब करके जाएंगे सेंस कि जितना आएगा उतना ही कर पाएंगे लोग, ठीक है, ज्यादा पढ़ने को फिर बहुत ज्यादा भंडार है, बाकी अलग सेक्शन पर मैथ वाले पर ध्यान दीजिए, अंग्रेजी पर ध्यान दीजिए, हिंदी पर ध्यान दीजिए, वहां से स्कोरिंग बढ़ सकती है आपकी, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है, क्योंकि आज जो 25 क्वेश्चन थे वो टारगेट पूरा हो गया है अपना, बाकी जो है नेक्स्ट सेशन में कल हम लोग 25 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और क्लासेस आपको बता दिया जाए कुछ चीजें सेटअप हो गई हैं प्रॉपर रूप से, ठीक है, अब प्रयास रहेगा रेगुलर क्लासेस बने, थोड़ा शिफ्टिंग हो गया था इधर उधर इस वजह से चीजें नहीं हो पाई रेगुलर, और थोड़ा समझ ही रहे हैं आप मौसम खराब चल रहा है, फीवर वीवर तुरंत जिसको मन रहा है उसी घर में घुस जा रहा है, ठीक है, तो बाकी मिलते हैं कल के वीडियो में, पढ़ते रहिए, जय हिंद, ठीक है।